तपाई हडू दार्जिलिंग मा कष्ट हुनुहुन्छ सब ठीक छो राम छो सुरुमै मै तपाई सबैहरुलाई दसाई तिहार अनि भाइटिका को मेरे शुभकामना दिने चाहन्छु। आमी आपनादेर सकलके शुभ दीपावली दुर्गा पुजो छठ पुजो जगदात्री पुजो अनेक अनेक अभिनंदन जानाच्छी। आप लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देने चाहूँगी हमारा जितना भी फेस्टिवल हुआ उनके लिए। जरा स्टॉल करे छेन सकल के मैं अनेक धन्यवाद जानाच्छी। हम आज सातवां सरोज मेला का उद्घाटन कर रहे हूँ। फर्स्ट टाइम ये दार्जिलिंग में हो रहा है, छह बार ये सिलीगुड़ी में हुआ है। आज से 24 तारीख तक ये चलेगा। एसएचजी ग्रुप बहुत सारे घर में जो बैठ के तैयार करते हैं और उसका ग्रुप का बहन में तैयार करते हैं और बहुत सारे चीज लेके इधर में आई हुई है। 135 स्टॉल है इधर में और 340 जो हमारा कार्य जो काम करते हैं एसएच ग्रुप का शिल्पी भी है। आज 161 कोटि का ज्यादा 56 स्कीम किया है उद्बोधन किया है, जिसमें पीने का पानी, रास्ता, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी सेंटर, स्कूल, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, हॉस्टल, चाय बागान के लिए बच्चा लोगों के लिए क्रेस, फूड ब्रिज, गवर्नमेंट भवन बहुत सारे किया है और 500 कोटि का रुपया का हम और आज इनागुरे फाउंडेशन किया है। आपका पता है आज ये मन से 56,000 लोगों को हाथ पे उसको कुछ ना कुछ जाएंगे उसको बैंक अकाउंट में और उसको जो मिलता है सरकार से ये आज जाएंगे। हम सबको अभिनंदन करने चाहूंगी इसी के लिए। आपका पता है हमारा जो सरस मेला होता है ए वन स्टेप डेस्टिनेशन है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन। पूरा विश्वभर ऐसा कभी नहीं होता है। हम इसी के लिए दार्जिलिंग में कर रहे हैं कि पूरा विश्वभर का आदमी इधर में आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, पूरा देश भर से आते हैं उसको दिखाने के लिए और टूरिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए ये हर चीज सारा विश्वभर बेचे इसका एक डिमांड भी है। बहुत बढ़िया होता है आप लोगों को बनाने का चीज अपनारा खूब भालो तैरी करें एटा सारा विश्वर दरबारे पहुँचे देवार जोन्नो एतगुलो स्टल तैरी करा होयेछे अनेक शिल्पी अंशग्रहण करछे। हमारा और एक प्रोजेक्ट है आनंद धारा। हमारा गवर्नमेंट आने का बात शुरू किया है। ये हमारा देश का एक मॉडल है। इसमें 12 लाख अर्थात 12 लक्ष मीन्स 12 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोगों ने तैयार किया है जो और कोई जगह में नहीं कर पाया और कोई स्टेट में। इसको हम ट्रेनिंग देके 1,10,000 करोड़ से ज्यादा इसको बैंक लोन बना दिया। ये लोगों ने अपना अपना बिजनेस करते हैं, ये बहुत अच्छा चीज है।
ए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम, ये विश्वभर जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा स्कीम है थ्रू आउट द वर्ल्ड, दिस इज ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन प्रोग्राम। हम खुश है कि हमारा महिला लोग आज आगे बढ़े, अपन पाय पे खड़ा हुआ और अपना काम करते हैं। हमारा जीटी एरिया में 11,000 का ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप हम लोग तैयार किया है और 500 करोड़ लोन भी दिया है। आप देखिए इसमें दार्जिलिंग कालिम्पोंग का भी बहुत सारे स्टॉल है। मैंने दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग, शिलीगुड़ी, कुछ बिहार, बर्धमान ईस्ट, बर्धमान वेस्ट, मिदनापुर ईस्ट, मिदनापुर वेस्ट, हावड़ा, हुगली, बीरभूम, साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास, झारग्राम, हम सब स्टॉल विजिट किया। मेरे को बहुत बढ़िया लगा। आप जाइए, इसको बहुत बहुत अच्छा से चीज है जो खुद अपन हाथ से बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए और घर में रख दीजिए। एक एक चीज का एक एक अच्छा अच्छा क्रिएटिविटी होता है। मैं चाहती हूं कि हमारा स्टूडेंट लोग, बच्चा लोग, जो यंग जनरेशन, स्टूडेंट्स एंड यूथ, वो आगे बढ़े, छात्र जुबोरा नतून प्रजन्म आगे गया। बहुत सारे स्कीम हम लोगों ने बना दिया, जैसे कन्याश्री, शिक्षाश्री, मेधाश्री, स्मार्ट कार्ड, स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड, कॉलेज तक भी आपको मिलेगा स्कॉलरशिप। टुमारो इज द चिल्ड्रेन डे, माई ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल माई चिल्ड्रेन एंड बेस्ट ऑफ लक टू देम फॉर देयर फ्यूचर ऑल्सो। सबाई के शिशु दिवसे आमार प्राण भरा आशीर्वाद, अभिनंदन जानाई। दार्जिलिंग में चाय तो एक सेरा है, आज का बात नहीं है। मैं जब पहले यूएसए गया था, यूके गया था, बहुत दिन पहले, मैंने देखा जो ट्रांजिट होता है, जो वेटिंग लाउंज होता है, उसमें जो चाय का पैकेट है उसका नाम पे दार्जिलिंग टी लिख के रखा। मेरे को बहुत खुश आया। अभी थोड़ा दिक्कत भी फेस करने पड़ता है, क्यों, दार्जिलिंग का टी का नाम पे कोई 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 खराब टी भी भेजते हैं जो दार्जिलिंग का नहीं है, इसको बदनाम करने के लिए। उसमें हम लोगों ने तैयार किया, इसको सिस्टम हम ऐसा करेंगे कि हमारा दार्जिलिंग का टी को बदनाम करने का कोई जायगा हम नहीं देंगे। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि हम लोग 11-12 साल में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जो पहले यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट थे, अभी तो दो डिस्ट्रिक्ट हो गया है, 11,000 करोड़ रुपया जो हम लोगों ने खर्चा किया है, खाली जीटीओ को हम 1,500 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन जीटीए का बाद भी गवर्नमेंट का ओर से जो खर्चा हुआ है वो 11,000 करोड़ का है और 4,000 करोड़ का काम अभी चल रहा है। और पूरा नॉर्थ बंगाल में उत्तरबंग मिलिए, हमारा गवर्नमेंट 13 साल में खर्चा किया है 1,64,000 करोड़ रुपया, 1,64,000 करोड़। हमने देखिए टूरिज्म इंसेंटिव पॉलिसी किया है, टी टूरिज्म किया है, होम स्टे टूरिज्म बना है,
आपको पता है पहले लामाहाटा में किया था। लामाहाटा इज द मॉडल ऑफ होम स्टे पॉलिसी, और अभी तो हर जगह में है। हम लोग चाहते हैं और बड़े घर घर में होम स्टे हो, तो आप लोगों का घर में बैठ के आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको बाहर में जाने का जरूरत नहीं है। खाली दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में 1400 लोगों को 12 करोड़ 40 लाख का ज्यादा इंसेंटिव दिया है होम स्टे के लिए। और भी बहुत सारे काम हुआ है, जैसे आप रास्ता देखा है, बहुत सारे नया रास्ता हम बनाते हैं। हमारा पंचायत डिपार्टमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट हमको रुपया नहीं देते हैं, और वोट का टाइम में जरूर वोट लेके चला जाता है, लेकिन उसका बाद ये करेंगे वो करेंगे हैन करेंगे तैन करेंगे कुछ नहीं करते हैं, झूठा कह के चला जाते हैं। हम बेचारा एमपी इलेक्शन में लामा साहब को जो एक से डीएम था बहुत सारे काम किया है, उनको खड़ा किया था, लेकिन वो नहीं जीत पाए। कैसे जीतेगा, वो तो झूठ नहीं कहते हैं। आज ज्यादा झूठ का जमाना हो गया, फेक न्यूज का ज्यादा जमाना हो गया, नैरेटिव ज्यादा हो गया। जो जीत गया बहुत सारे रुपया है उसके पास, चुनाव का टाइम में वो लोग आते हैं और रुपया डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए कुछ नहीं मिलेंगे, खाने के लिए नहीं मिलेंगे, पीने का पानी के लिए नहीं मिलेंगे, कन्याश्री के लिए नहीं मिलेंगे, कल्चरल टीम के लिए नहीं मिलेंगे, जीटीए के लिए नहीं मिलेंगे, पहाड़ के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन वो लोग एक दिन काम करते हैं 5 साल में वोट के लिए, हम काम करते हैं साल भर 365 दिन का अंदर 364 दिन। हम चाहते हैं दार्जिलिंग में कालिम्पोंग में अनेक थापा की आगे बढ़े, हमारा तृणमूल पार्टी का साथ उसको एडजस्टमेंट है, अरे रहेगा भी। आपका पता है क्या हुआ था इधर में, 5 साल बाद बाद कोई कोई लोग आते हैं नेता बनने के लिए, और बम फेंक के जाते हैं, गोली चला के जाते हैं, दुकान बंद हो जाता है, होटल बंद हो जाता है, टूरिस्ट नहीं आते हैं, हमारा पहाड़ को जुमला बनाने चाहते हैं ये लोग। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं पहाड़ में शांति आए, हम शांति चाहे, उन्नति चाहे, पहाड़ को अच्छा चाहे। इसी के लिए हमारा साथ उसको फाड़ा के ही है, अरे रहेगा भी, रहने दो। आपको हिल यूनिवर्सिटी मैंने कर दिया, आपको प्रेसिडेंसी का तो जो थर्ड कैंपस वो भी कर्सियांग में कंप्लीट हो गया। हम डीएम को कल बोला उसको साथ बात करने के लिए यूनिवर्सिटी का साथ, कि जल्दी से जल्दी ये चालू करे तो हमारा स्टूडेंट लोग उधर में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाए। स्कूल कॉलेज हम चाहते हैं, देखिए स्किल ट्रेनिंग ज्यादा ले लो, दार्जिलिंग में बहुत टैलेंट है, चाहे दार्जिलिंग हो चाहे मिरिक हो चाहे कालिम्पोंग हो, चाहे माटीगाड़ा हो चाहे फांसीदेवा हो चाहे सिलीगुड़ी हो चाहे तराई डुवर्स हो, इसको एक ज्यादा टैलेंट होता है। आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, स्कूल बढ़िया बढ़िया स्कूल है दार्जिलिंग में, कालिम्पोंग में, कर्सियांग में, लड़का लड़की कितना स्मार्ट है,
कोई भी नौकरी उसको लिए मिल सकता है। स्टडी भी करो, हम स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड कर दिया, कन्याश्री मेधाश्री इसको मिलने का बाद भी आपका 10 लाख रुपया तक स्मार्ट कार्ड में मिलेगा, स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड। आप बाहर में पढ़ जाने सकते हैं, इधर में भी अच्छा जाएगा पढ़ सकते हैं, किसी को पास भीख मांगने का जरूरत नहीं है। और एक बात है, हम बोला है जीटीए गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी एक साथ में, हम दार्जिलिंग में, कालिम्पोंग में, सिलीगुड़ी में हो रहा है, मिरिक में, कर्सियांग में, हम चाहते हैं स्किल ट्रेनिंग सेंटर बने, जैसे हमारा आईटीआई पॉलिटेक्निक होता है। उधर में ट्रेनिंग लेने से 3 महीना का आपको नौकरी पक्का। मैंने बहुत देखा आपका, एक छोटा सा स्टोरी हम बताने चाहूंगी, अगर आपका समय है टाइम है तो। देखिए हमारा घर में हम रहते हैं, हमारा माताजी का देहांत हो गया, हम रहते हैं, लेकिन हमारे साथ 2 बेटी रहते हैं। लेकिन हम समाज में जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, कभी शेड्यूल ट्राइब होता है, हम उसको लेके आता है, उसको हम इंसान मानते हैं। उसका बाद वो इंसान तो है, लेकिन अच्छा से हमारे घर में भाई बहन का तरह रहते हैं। उसका बाद उसको हम शादीशुदा दे देता है और उसको हस्बैंड को हम नौकरी भी दिला देता है, जैसे उसको पाँव में खड़ा हो जाए। तो एक लड़की हमारे घर में काम करते थे, हम उसको हस्बैंड को नौकरी दे दिया। जब हम रेल मिनिस्टर था, आपका पता है, आपको टॉय ट्रेन का यूनेस्को हेरिटेज को नष्ट कर दिया था, मैं आके उसको फिर रेस्टोर किया था। आपको घूम स्टेशन मालूम है, घूम स्टेशन, आपको दार्जिलिंग स्टेशन, आपको सोनादा स्टेशन, हमने अच्छा से बना दिया था टॉय ट्रेन को भी। तो वो लड़की काम करते थे, उसको एक बेटी हुआ, वो बेटी अभी बड़ा हो गया है, वो कॉलेज वो स्कूल में पढ़ते थे। जब 12 क्लास का एग्जाम खत्म हुआ तो मैं देखता एक दिन उसको रिजल्ट निकाला, तो उसको माँ उसको 2 थप्पड़ मारा। मैं घर में घुसा, उसको पता नहीं था मैं बाहर में है। जब मैं घर में घुसा, मैं देखा उसको मार रहा था। मैं उसको पूछा क्यों मारा है, तो उन्होंने बोला देखो मैंने उसको ग्रेजुएशन करने बोलता है, ये मेरा को बात नहीं सुनता है, ये कहता है हम फैशन टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। तो हम बोला तो इतराज क्या है, पढ़ने दो, जो जो चाहते हैं, कोई डेकोरेशन लेके पढ़ते हैं, कोई स्किल में फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, कोई ब्यूटी सैलून का काम चलाने के लिए पढ़ते हैं, सब काम बराबर है, अच्छा है। तब मैंने एक इंस्टीट्यूट तैयार किया है दुर्गापुर में, उसका नाम दिया है मैं आहरण। उसमें हमारा जो सेक्रेटरी था पहले बोला, दीदी ये जॉइंट एंट्रेंस में जो पास करेगा ओनली उसको एडमिशन करेगा। हम बोला देखो ओनली फ्यू परसेंट पीपुल स्टूडेंट्स दे पास द जॉइंट एंट्रेंस, इसमें जो कॉमन है, गरीब है, साधारण है, उसका चांस नहीं मिलेगा। जिसका नंबर ज्यादा है सब जगह में चांस मिलेगा, लेकिन जिसको जो पास किया है लेकिन नंबर इतना नहीं है, वो तो फैशन टेक्नोलॉजी पढ़ सकता है, ब्यूटी की ब्रांड के लिए कोई काम सीखता है, कर सकता है, उसका कोई ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो मैंने उसको बोला, उसको माताजी को बोला देखो उसको उधर में भर्ती कर दो। भर्ती कर दिया मैंने खुद। भर्ती करने का बाद वो 1 साल ट्रेनिंग लिया, डिग्री मिला उसको फैशन टेक्नोलॉजी पे।
जैसे आईटीआई से मिलता है एक सर्टिफिकेट, पॉलिटेक्निक से मिलता है, उसका बाद जब एक वर्ष का ट्रेनिंग हो गया एक साल का, तो आईटीसी के आईटीसी होटल में उसको नौकरी मिल गया साथ साथ में। अभी कहाँ है? अभी वो न्यूयॉर्क में है, यूएस में। अरे इतना इसको एडवांटेज है, इतना मौका है, ये मौका को आप एडवांटेज लो। हम 200-300 पॉलिटेक्निक आईटीआई बना दिया। मैं जीटीए का डीएम को सबको रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज ऑल्सो डूइंग वन इन सिलीगुड़ी। बट सुब्रतो, बिफोर गोइंग टू दिल्ली, यू मस्ट सी दैट वी मस्ट गिव द लैंड एंड नॉक सम पीपल टू स्पॉन्स टू गिव द स्पॉन्सरशिप विथ जीटीए सो दैट दे कैन स्टार्ट द आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक, वन इन दार्जिलिंग, वन इन कालिम्पोंग, वन इन कर्सियांग, वन इन मिरिक। तो इसमें जो स्टूडेंट लोग ट्रेनिंग लेंगे, इसको पैसा नहीं लगे तो लगता है, पैसा तो जब नहीं लग चाइना, पैसा हम नहीं लेते एडमिशन फी, आप ट्रेनिंग ले लो। और ट्रेनिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम वेबसाइट में डाल देते हैं। जो लोग टेक्निकल पीपुल मांगते हैं ना, वो साथ साथ में ले लेते हैं। हम जॉब फेयर भी करते हैं। एक दफे 10,000 को लेके एक जॉब फेयर करने का कोशिश किया, तो देखता है 1,00,000 करीब लड़का आ गया, लड़की आ गया। उसके लिए मैंने बोला, जो करो अच्छा अच्छा करके, छोटा छोटा करके करो। नौकरी का तो जरूरत है, लेकिन मेरे को जान पहचान एक आदमी है, और डेंटिस्ट हुआ है इधर से। अभी मैंने बोला, वो हमारे साथ रिचमोंड हिल में देख भेंट होता है उसका कभी कभी, उसका रिलेटिव से। कल मैं पूछा, क्या करते हैं रे तेरे को भतीजा, मींस नीस? तो बोला, दीदी अभी वो 2.5 लाख कमाता है। तो देखिए, एक क्लिनिक खुल दिया, हो गया। आप एक ब्यूटी सैलून भी खुलेंगे। आज तो हर तरह, हर महिला लोग बहुत सारे काम करते हैं। हमारा यंग मैन, वुमेन, स्टूडेंट्स, यूथ, हाउ दे आर टैलेंटेड। ये आपका ब्यूटी है। खाली कंचनजंगा नॉट इज नॉट ओनली योर ब्यूटी। कंचनजंगा ऑफकोर्स वी आर प्राउड ऑफ इट, इट इज अ ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। लेकिन आपका ब्यूटी है, आपको टैलेंट। हमारा बंगाल को लड़का लड़की का ब्रिलियंट ब्यूटी है, उसका टैलेंट। इसी के लिए आज आप देखो, यूएसए में जितना काम करते हैं, नासा से भाषा बहुत बहुत बढ़िया, चाहे वाशिंगटन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, हर जगह में आपको इंडियन को मिलेगा। और सबसे ज्यादा हमारा बंगाल का है टैलेंट, चाहे वो स्पेस साइंस में हो, चाहे आसमान में हो काम करते हैं, चाहे मिट्टी में काम करते हैं। किसान का भी जैसा हमारा टैलेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का टैलेंट है, यूथ का, स्टूडेंट्स का टैलेंट भी बहुत है। दुकानदार कितना अच्छा करते हैं, इधर में एक चाय दुकान भी बन जाए तो कितना बेचता है, मार्केट में कितना टूरिस्ट आता है। हर तरह लोग पसंद करते हैं आपका चीज लेने के लिए। इसके लिए आपका बहुत सारे डिप्रेशन का बात नहीं है, कभी डिप्रेस मत होइए। ऑलवेज बी एनर्जेटिक, बी बोल्ड, बी ब्रेव, बी ब्राइट। योर ब्यूटी इज विद इन योर सेल्फ, यू हैव टू नर्चर दैट। एक गाछ जब हम, एक पेड़, वन ट्री जब हम प्लांट करते हैं, उसको हम थोड़ा पानी देते हैं, देते हैं कि नहीं है? तो हमारा अंदर में जो चीज है, उसको थोड़ा नर्चर करने से बहुत सारे हो जाएगा। हम 4,00,000
100 से ज्यादा बाड़ी बांग्ला आवास योजना में आपको दिया है। इधर में हम चाय बागान में भी चाय बागान का पट्टा देता है। खाली पहाड़ में हम 54,000 पट्टा दिया है। हम चाय बागान में हर चाय बागान में जिसमें जायगा मिलेगा हम पट्टा देंगे। चाय मजदूर के लिए भी और जो पट्टा जिसको मिलेगा पट्टा का साथ वो मजदूर का 1,20,000 रुपया भी मिलेगा। घर वो खुद तैयार करेगा, हम तैयार नहीं करेगा। इसी के लिए बहुत सारे चीज हमारा है, बहुत सारा चीज रहेगा, बहुत सारे चीज करना है। तो काम को रुकना नहीं, गड़बड़ करना नहीं। रुपया के लिए, इंडिविजुअल कमाने के लिए दार्जिलिंग को बेचना नहीं, कालिम्पोंग को बेचना नहीं, कर्सियांग को बेचना नहीं, मिरिक को बेचना नहीं, इसको आगे बढ़ाना जरूरी है। मैं तो चाहती हूं कि दार्जिलिंग मस्ट बी प्राउड टू से दैट वी आर नंबर वन इन द वर्ल्ड। मैं ये देखने चाहता है कि आप लोग मिलके कहे कि जय गोरखा जय बांग्ला, जय गोरखा जय बांग्ला। एक साथ में काम करेंगे, हमारा आपका लिए कोई फर्क नहीं है। और आपका दार्जिलिंग का बेटी का साथ हमारा घर का शादी हुआ है, अभी तो हमारा साथ आपको ब्लड रिलेशन बन गया है। हम तो जब तक रहेगा मैं अमी बड़ो करे बोलते पारी आमरा सबाई एक, वी आर टुगेदर, वी आर यूनाइटेड। आपका अच्छा हो, आपको हम तो वोट के लिए आपको इधर में नहीं आते हैं, लेकिन हम पहाड़ में आते हैं इसी के लिए कि हम पहाड़ को हम प्यार करते हैं। हमारा रोशनी प्यार मोहब्बत पहाड़ से है, हम पहाड़ को पसंद करते हैं, करते जाएंगे। और हम देखने चाहती हूँ कि हमारा तपाई हरू सब अच्छा रहे, सब अच्छा रहे, सब सच्चा रहे, सब जिंदगी में कामयाब हो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। दिल से, काम से, शिक्षा से, सामाजिकता से, वुमेन एम्पावरमेंट से, हर काम को लेके कोई काम नहीं छोटा है, कोई काम बड़ा नहीं है। हम फिर जनवरी में आएंगे, नेताजी का जन्मदिवस हम इधर में हम सेलिब्रेट करेंगे। और टाइम में पुलिस का आर जी टी ए को मिलके जो कल्चरल फेस्टिवल होता है वो भी होगा, और जो खेल मैराथन भी होता है वो भी होगा। तो और भी आप लोगों को मौका मिलेगा। देखो इंटरनेशनली आप कैसे, आप तो फेमस है, और भी फेमस होने से हम खुश हो जाएंगे। अमी अपने सकल के बोलची सारा बांग्ला भालो थकले अमी भालो थकी, दार्जिलिंग भालो थकले अमी भालो थकी, तराई डुअर्स भालो थकले अमी भालो थकी, सारा बांग्ला भालो थकले अमी भालो थकी, मामाटी मानुष भालो थकले अमी भालो थकी। अमी सब समय मने करी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसको नारा है जय हिंद, गोरखा बैटालियन का जिसको स्लोगन था, नेताजी के लिए कितना काम किया है। वो लोगों को सेक्रीफाइस हम कभी नहीं, हम उसको मिटने देंगे, हम उसको बड़ा बार उसको याद करेंगे। इसके लिए आज भी हम उसको याद करते हैं। जब घायल हुए दार्जिलिंग, खतरे में तपरे दार्जिलिंग, जब तक थी सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी, मिट्टी में फेंक के माथा, और लड़े जिंदगी
और जाने का टाइम कहते हैं आप खुश रहो, आप अच्छा रहो, हम तो चल बसी, हम तो चलते हैं। तो इसी के लिए हमको पुराना को भी याद करना है, नया को आगे बढ़ाना है, साथ लेके काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय बांग्ला, जय गोरखा।